मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:15। बच्चा स्कूल के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। माय गॉड यार, जब से घर में एक छोटा पापा आया, क्या बताऊँ, हवा टाइट रहती है यार। टाइम कहाँ भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा। इट इज़ लाइक एक बच्चे की एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। फाइनली डैड का मुंदा वाला एक वेसल कम्प्लीट हुआ। मतलब शायद आज एक चक्कर लगे, बट इट इज़ कम्प्लीट, थैंक गॉड। इसी के लिए तो कल दशरथ भैया को रात को बुलाया था ताकि गाड़ी साफ कर दे, समझे? सेकंड थर्ड नहीं है, सेकंड। कौन? पापा। मम्मी के साथ भी ऐसा कौन करता था? उसके मैप में भी दिखाया जाता है, इसलिए लक्षद्वीप भी आता है, अंडमान भी आता है, श्रीलंका भी आता है। चलो चलो, बहुत सारे काम है अपने को। टाइम हो रहा है 10:20। स्कूल निपटा दिया, प्रोविजन निपटा दिया, घर आ चुके हैं। स्वीटी को घुमा रहे हैं। आई नीड टू गो फॉर अ हेयर कट एंड अ शेव। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोपहर को मिसेस को मार्केट लेकर जाना है। शी नीड्स टू डू सम पर्सनल शॉपिंग। कोई बात नहीं, ले चलेंगे। बाकी कल प्रवीण से मिले थे, उसको बताया हमने एक लैब लिया। सो प्रवीण वॉज लाइक, भैया हमें भी दिला दो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। सो आई टेल सिद्धार्थ कि अपना एक दोस्त है, उसको भी एक लैब चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली शायद संडे प्रवीण फ्री रहेगा तो उसको दिखा देंगे और एक लैब ले लेंगे उस तरह से, जहाँ से हमने अपना लैब लिया है। बाय द वे, मेरे लैब का नाम है नॉडी, एंड नॉडी इज़ वेरी नॉटी। इज़ अ नॉटी बॉय, दैट इज़ वाई इज़ नेम्ड नॉडी। उसके यार ज़्यादा वीडियोस बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब उसके साथ खेलते हैं या जब उसके टेंटम्स उठाते हैं ना, तब हमारे हाथ में फ़ोन होता ही नहीं है और चैन से कहीं बैठने ही नहीं देते एक जगह। इसी के लिए यार उसकी कुछ खास वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, बट यस कोशिश करेंगे। बाकी व्लॉगिंग थोड़ी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे व्लॉग्स टाइम पर आ रहे हैं। देखो अभी तक घुमा रही है, इसने भी गजब तंग करके रखा हुआ है। रात को पापा का मुंद्रा वाला जो वेसल है वो थैंकफुली कंप्लीट हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे कुछ काम आ गया, सो ही हैड टू रश टू मुंद्रा अगेन ऑन द सेम वेसल। समथिंग लाइक दिस, किसी और को काम दिया गया था वेसल कंप्लीशन के टाइम पे। आखिरी मिनट पे वेसल के जो कैप्टन है उन्होंने बोला कि लेट द सीनियर गाय हु इज़ अटेंडिंग टू डिस्चार्ज सुपरविजन, उनको बुला दो, वो काम निपटा के देंगे हमको। सो पापा को भी भागना पड़ा, ही वॉज सपोज टू रेस्ट टूडे, और रात को उनको टूना जाना है। अला ना, इतने सारे उड़ते तीर हैं, इतने सारे उड़ते तीर। हाउ ही इज़ मैनेजिंग द शो आई डोंट नो। हिज हेल्थ इज़ एक्चुअली टेकिंग अ टोल जो उनको पता चलेगा नहीं, एंड आई विश मैं उनको इन सब चीज़ों से फ्री कर सकूं, बट दिस टेक्निकल जॉब्स दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज मेरा सेल्स का बैकग्राउंड है, ऑपरेशंस का नहीं। जो ऑपरेशनल सपोर्ट दे रहा हूँ वो चलो कोई ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपना फंडा सिंपल है, भाई ये काम नहीं आता तो मना कर दो, रादर देन मैनेज करेंगे और बाद में काम बिगाड़ दो। हो रहा है 11:15, हम जा रहे हैं किशन के सलून। अगर खुला होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फटाफट वापस भी आ जाएंगे। बाइक ही उठा रहा है। भाई 12:10 शेव करवा लिया, हेयर कट करवा लिया, अब जा रहे हैं घर के लिए। चाय पानी नाश्ता करते हैं और फिर बच्चे को लेने निकलते हैं।
बच्चे को पिकअप कर लिया और घर आ चुके हैं। अब जा रहे हैं नाना धोना निपटाता, वीडियो एडिट और अपलोड कर देते हैं और फिर देखते हैं दोपहर के बाद क्या प्लान बनता है। फिर देखते हैं दोपहर के 1 बज गए, कहाँ निकल गए टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा ही होता है यार, दौड़ जाता है कभी कभी वक्त। तो हो रहा है दोपहर के 2। ओके, नहाना धोना डन, पूजा पाठ डन, लंच बाकी है बनना। मिसेज वाज ऑक्यूपाइड विद द न्यू डॉग, नॉडी के साथ बिजी थी, बिजी लंच थोड़ा सा डिले हो गया। कोई बात नहीं, तब तक हम लोग थोड़ी बहुत वीडियो एडिट कर लेते हैं, बाकी दोपहर के बाद मार्केट जाना है ये बात तो पक्की है। और डैड देखो अभी तक आए नहीं मुंद्रा से, ऐसा ही होता है, उनको आराम करना, उनको आराम नसीब ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आना चाहिए था? पर तुमको ये स्कूटर चलाना था धूप में, तब चला और रुक क्यों गए? चल गया होगा। हाँ टाइम 4:15 और हम मार्केटिंग के लिए निकल चुके हैं। मिसेस को ललित गंगन स्टोर में काम है और उसके अलावा शायद तक खजाना मैचिंग का एक चक्कर लगेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक कुरियर आया मुंद्रा से हमारी कंपनी के लिए, हमें वो कलेक्ट करना है और फिर सीधा घर, क्योंकि नॉडी भाई साहब जाग चुके हैं और अब वो मिसेस से थोड़ा अटैच हो गया है, सो अब उसके लिए रोता रहता है। शुक्र है ऐसे लोगों के हाथ में बड़ी गाड़ी नहीं है, तो सोच क्या करेंगे। वही क्लाइंट ने एक न्यू ईयर कॉम्प्लीमेंट भिजवाया था, कलेक्ट कर लिया है, थैंक यू सो मच। क्या बोल सकते हैं यार, बहुत बहुत मैटर करता है ये सब। टाइम हो रहा शाम के 5, मार्केट से जो काम निपटाने थे सब निपटा लिए, अब घर पर निकल रहे घर के लिए। मैंने गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाया है, सोच रहा हूँ बाद में डलवाऊंगा। चुके हैं घर, हम टायर्ड यार सच्ची में। टाइम हो रहा है रात के 10:30, खाना पीना हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कभी हो गया हो। क्या बोले यार, कल से बच्चे की एग्जाम चालू हो रही है, शाम से उसके साथ बैठे थे, उसका रिवीजन करवा रहे थे, इसी के लिए कुछ वीडियो कुछ खास नहीं बनाई और बिग बॉस भी कुछ देखा नहीं है। ओके, सीन कुछ इस प्रकार है, कल से बच्चे की एग्जाम शुरू, पहला पेपर इंग्लिश है। अभी तक बच्चा 9:30 बजे स्कूल जा रहा था, अब एग्ज़ाम्स के लिए इन्होंने फिर टाइम चेंज कर दिया, मॉर्निंग 9:00। पता नहीं ये क्या चल रहा है स्कूल में यार, कसम से समझ नहीं आ रहा है। कर्सिव अल्फाबेट्स की बुक मैंने देखी है, 15 दिसंबर की डेट थी, 5 या 6 लेटर्स एक ही दिन में करवा दिया। मतलब 15 दिसंबर के दिन 5 से 6 कर्सिव लेटर्स एक ही दिन में करवा दिया। किसे बोला है? मतलब मैं नो कि मेरा बच्चा बहुत दिन स्कूल नहीं किया है, उसे बहुत सारे दिन स्कूल मिस आउट हुआ है, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आज शाम को जब मैं उसका रिविजन करवा रहा था, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मैंने अपने बच्चे से इतनी सारी पढ़ाई करवाई है वो भी एक ही बारी में। आई नो उसकी कितनी कैपेसिटी है, आई ट्रूली नो दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली देखो, एंड द वर्स्ट थिंग इज़ इतनी ठंडी पड़ रही है, स्कूल आधा घंटा पहले कर दिया। छोटे बच्चों के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे स्कूल वाला, बड़े बच्चे आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्स, अब वो आधा घंटा पहले उसको स्कूल जाना पड़ेगा।
ठंड देखो इतनी पड़ रही है, ऐसे मन का नहाना थो ना। आई थिंक सो आई नीड टू चेंज माई डॉटर स्कूल, अनफॉर्चुनेटली एक साल और तो निकालना पड़ेगा whether I like it or not. That's about it. बाकी आज का दिन जैसा भी रहा आप लोग से शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अब मैं अपने क्लॉक्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर पा रहा हूँ, आज का फिर भी थोड़ा लेट हो गया और इसमें प्योरली मेरी वाइफ की मिस्टेक है। मैंने उनको बोला था मार्केट का काम आधे घंटे में निपटा देना, उन्होंने मार्केट का काम खींच दिया, वरना मेरा ब्लॉग 6 बजे आराम से आ जाता। बट कोई बात नहीं, लेकिन यस टाइमिंग हमने इम्प्रूव कर दी है और वापस से रेगुलरली ब्लॉगिंग चालू कर दी है। बाकी एक दिन ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक दिन ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज वाला जो ब्लॉग है मेरा जो मैंने अपलोड किया है उसमें मेरा जो बैंगलोर का रिटर्न था थ्रू अहमदाबाद एंड देन गांधीधाम, वो दो वीडियोस मैंने एक साथ कंपाइल करके भेजे, इस बात को टाइम हो चुका है, 26-27 की बात है। ऑलरेडी नाउ वी आर इन जनवरी, सो मैं पीछे तो चल रहा हूँ नो डाउट।